नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि इधर प्रीता के बेटे यानी राजवीर को गिरफ्तार करवा दिया जाता है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सौर्य बेहद ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों वहीं राखी माँ ने सब कुछ बता दिया है कि ये है पलकी और ये वो पलकी है कि जब मैं बेहोश हुई थी इसने मेरा कितना ज़्यादा साथ दिया था और हमारा अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पलकी की हर समस्या का समाधान करें, क्योंकि राजवीर ने जो करा है हो सकता है उससे गलती हुई हो, लेकिन राजवीर दिल का बुरा नहीं है। राजवीर और पलकी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों ने मेरी जितनी हेल्प की है शायद तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि यही चीज़ ऋषभ बोलना चाहता था कि राजवीर कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मैच्योर लड़का है, वो अपने हदों को जानता है और ये भी जानता है कि किस इंसान के साथ में कितनी भलाई करनी है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर को यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस चीज़ को प्रीता की बात की जाए तो प्रीता की जल्दी ही आँख खुलने वाली हैं, और जिसके बाद में जब प्रीता को पता चलेगी कि राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और लूथरा परिवार ने अरेस्ट करवाया है, जिसके बाद में असली लूथरा परिवार की कहानी तो फिर स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस समय राजवीर को पता है कि ये इन लोगों की खाली गलतफहमी है, लेकिन इतना भी पता है कि सौर्य अच्छा नहीं है, बल्कि सौर्य को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस समय राजवीर को पता चल चुका है कि ये मेरा परिवार है, इससे मैं क्या भी कह सकता हूँ और किस रूप में कह सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग हैं भी अपने ही और इन अपनों में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है दोस्तों। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।